नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पीस ऑफ माइंड चैनल के 11 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन समेत अन्य खबरें, साथ ही कोरोना वायरस से बचाव को लेकर देंगे आपको खास जानकारियां। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। देश और दुनिया में शांति, सद्भावना और आनंद का पैगाम देने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय पीस ऑफ माइंड चैनल के सफलतापूर्वक 11 वर्ष और ओम शांति स्टूडियो के 16 वर्ष पूरे नामचीन लोगों ने दी शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के नाम जारी डाक टिकट पर गुवाहाटी में कार्यक्रम। विशिष्ट अतिथियों ने कहा, दादी जी का जीवन रहेगा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। भविष्य के अनुसंधान पर कोरोना और लॉकडाउन का प्रभाव विषय पर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार। वक्ताओं ने कहा कि मनुष्य के जीवन को नई दिशा देगा यह दौर। और वॉशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा डीप ब्रॉडकास्ट आर यूएन अनस्टॉपेबल वॉरियर विषय पर ऑनलाइन इवेंट। मुख्य वक्ता वर्षन शॉ ने कहा, परमात्मा पर विश्वास बुरी से बुरी परिस्थितियों में दिलाती है सफलता। आज के बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर राजधानी दिल्ली से है। जी हाँ, देश और दुनिया भर में हर घर और प्रत्येक व्यक्ति में शांति, सुकून और आनंद की खुशियां बिखेरने वाले दुनिया का पहला विज्ञापन मुक्त सैटेलाइट लोक पसंद चैनल पीस ऑफ माइंड के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 11 वर्षों में पीस ऑफ माइंड चैनल ने लाखों करोड़ों लोगों को उनके जीवन के सत्य को समझाया है। चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल के निर्देशन में सामान्य रूप से प्रारंभ हुआ। आज ये चैनल पूरे विश्व में हवा से लेकर इंटरनेट की दुनिया के जरिए पूरे विश्व में फैल चुका है। देखिए विशेष रिपोर्ट। अशांति की दुनिया में मन को शांति देना एक महापुण्य का कार्य है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संचालित पीस ऑफ माइंड चैनल अपने युवा काल में पहुंच रहा है, लेकिन इतने ही समय में यह पूरे विश्व में फैले अज्ञानता के अंधकार में आशा के किरण की रोशनी बिखेर रहा है। इस चैनल ने प्रत्येक परिवार, समाज और हर बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने का पूरा प्रयास किया है और इसी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने विकट परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीखा है। पीस ऑफ माइंड चैनल विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित। इस चैनल के द्वारा लाखों हमारे भाई बहनों को भारत में और विदेशों में भी ईश्वरीय ज्ञान। पीस ऑफ माइंड चैनल कितनी दुआओं के पात्र बनी। पीस ऑफ माइंड चैनल एक ऐसी चैनल, यूनिक चैनल है जिसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हो। पीस ऑफ माइंड चैनल सारा विश्व में एक आध्यात्मिक चैनल के रूप में चलता रहा है। चैनल की खुराक और उसकी नींव ओम शांति स्टूडियो तथा गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा बनाए गए बेहतरीन कंटेंट से लोगों के बीच यह चैनल तेजी से लोकप्रिय हुआ है। पीस ऑफ माइंड चैनल की सीईओ बीके गीता और उनकी टीम के साथ गॉडलीवुड स्टूडियो की टीम को संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित नामचीन लोगों ने पीस ऑफ माइंड चैनल के 11 वर्ष पूरे होने पे तथा ओम शांति स्टूडियो के 16 वर्ष पूरे होने पर बधाई संदेश भेजकर अपनी शुभकामनाएं दी है। और मैं पीस ऑफ माइंड अगर लगाती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि जिस टॉपिक पे भी मैं सोच रही होती हूँ वही सामने से टॉपिक आ जाता है। मतलब पीस ऑफ माइंड में पहले भी देखती थी, बट तो सुनते सुनते धीरे धीरे एक मोटिवेशन सा बिल्ड होने लग गया अंदर ही अंदर, एंड बहुत अच्छा लगने लग गया। रोज मैं वेट करती थी कि यू नो कोई ऐसे टिप्स मिले, कोई मुरली का ऐसा कुछ टिप मिले कि मैं उसको अपनी जिंदगी में धारण कर पाऊँ। बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है और इतनी निराश नहीं होती हूँ और अब चीजों को साक्षी होके देख लेती हूँ। ये समझ गई हूँ कि जो हो रहा है वो एक ड्रामा है। पीस ऑफ माइंड चैनल एक आपके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन बनकर उभर रहा है।
मैं जब इस ज्ञान से जुड़ी तो मेरी शुरुआत भी इसी पीस ऑफ माइंड चैनल से हुई थी। मैं भी यहाँ से ही देख देख कर सीख सीख कर आगे बढ़ी हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल टीम ऑफ पीस ऑफ माइंड चैनल एंड गॉडलीवुड स्टूडियो ऑन कम्प्लीशन ऑफ 11 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ पीस ऑफ माइंड चैनल। थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर रनिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल सेल्फलेसली डूइंग देयर डिवाइन सर्विसेज। बहुत दिल से और अपनी शिद्दत से इसे सपोर्ट कीजिए और देखिए और लाभ उठाइए। जब भी वक्त मिले और मन को शांत करना हो तो थोड़ी देर पीस ऑफ माइंड लगाएं और वहां से भगवान के उन संदेशों को प्राप्त करें जो हर रोज हमें मिलते हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल के 11 वर्ष तक निर्बाध रूप से लगातार प्रसारण और सफलता के लिए चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल तथा उनकी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कंप्लीटिंग इट्स 11 ग्लोरियस इयर्स ऑफ गॉडली सर्विसेज। ब्रह्म कुमारी संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी पर जारी डाक टिकट को लेकर गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी जे हांडिक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल आर के बी सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान आर के बी सिंह ने कहा कि डाक विभाग देश की समृद्ध संस्कृति, वनस्पतियों और जीवों पर भी समय समय पर महान हस्तियों के डाक टिकट जारी करता रहा है। इस बार डाक विभाग द्वारा समाज में अनमोल सेवा के लिए दादी जानकी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करके सम्मानित किया गया है। वहीं प्रोफेसर पी जे हांडिक ने डाक टिकट का शुभारंभ किया और अपनी खुशी जताई कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख पर डाक टिकट जारी करके देश ने आखिरकार इस मूल्यवान योगदान को मान्यता दी है। So this organization has contributed for the benefit of the mankind not only in India but also in almost 135 countries. For almost 100 years, last 100 years. So it is really great job and great teaching for the people of the world. इस दौरान नलबाड़ी, बारपेटा और बसका सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके जोनाली और सबजोन प्रभारी बीके शीला ने सभी दर्शकों का स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं दी तथा बीके राकेश ने उपस्थित लोगों को दादी जानकी जी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में सभी को जानकारियां दी। साइंस भी साइलेंस के आधार पर बनती है। इस विश्वविद्यालय में साइलेंस पावर क्या है, जिसको मेडिटेशन भी कहा गया है, उस साइलेंस पावर को हम अचीव करें, लाइफ के अंदर लाएं, तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने समाज को, परिवार को बना सकते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान के स्पार्क प्रभाग द्वारा भविष्य के अनुसंधान पर कोरोना और लॉकडाउन के प्रभाव विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में जयपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. ए डी सवानी, बीके बिरला कॉलेज कल्याण मुंबई के एल्यूमिनेट सारिया सरफराज मौलवी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके छाया, भिवंडी के महिला कॉलेज की व्याख्याता शिफा विंचो, कार्मेल कॉलेज गोवा के जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज बोरकर समेत कई लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में ऑनलाइन शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन ने मनुष्य को बहुत कुछ सिखा दिया है, जिससे मनुष्य को अपने आने वाले भविष्य के शोध के रूपरेखा पर चर्चा करनी चाहिए। वैज्ञानिक कोरोना को समझ रहे हैं, जो बात समझ में आई उसमें संक्रमण कैसे रोकना, इतनी बात कर बड़े मुश्किल से और बहुत जल्दी ही समझ लीजिए कि वो रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, ये वैक्सीन प्राप्त हो गया है। अब ये समय जो है सारी केवल एक इफेक्ट ही नहीं है, वो अब फ्यूचर सारी मनुष्य कुल का एक विनाश का, एक प्रलय का, एक परिवर्तन का, एक चेंज का एक रूप धारण कर चुका है। इसमें हम सबको अपने आप को रियलाइज करने की आवश्यकता है। जो पेशेंट हिम्मत करके रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो एकदम अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं, बीमारी आई परंतु हिम्मत को छोड़ दिया, तो उनके ऊपर उसका बहुत विपरीत परिणाम होता है। तो इसीलिए एक तो हिम्मत चाहिए।
आगे बढ़े तो मथुरा के राजयोग भवन सेवा केंद्र पर अष्ट शक्तियों के महत्व पर मंथन शिविर का आयोजन किया गया तथा इसके साथ साथ भवन के उद्घाटन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का ओम शांति रिट्रीट सेंटर से वरिष्ठ राजयोगी बीके भीम, एडवोकेट मनमोहन अग्रवाल, दिनेश कुमार, विनोद शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुजाता तथा कार्यक्रम आयोजक विनोद जिंदल ने दीप जलाकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसीलिए प्रत्येक लोगों को जीवन में राजयोग को शामिल कर अष्ट शक्तियों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। बात करें विदेश में पहली खबर की तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका रही राजयोगिनी दादी जान के जी पर जारी डाक टिकट के सम्मान में भारतीय उच्च आयोग में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हाई कमिश्नर मृदुल कुमार ने दादी जी के द्वारा पूरे विश्व को दिए गए अतुलनीय योगदान की सराहना की और मलेशिया में ARC के निदेशक बीके मीरा ने दादी जी के प्रेरणादायी जीवन की झलक किया अपने अनुभव के द्वारा बताने का प्रयास किया। वहीं अगली खबर वॉशिंगटन DC से है, जहां मेडिटेशन म्यूजियम के द्वारा रीब्रॉडकास्ट आर UN अनस्टॉपेबल वॉरियर विषय पर ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके जेना और इंटरनेशनल बिजनेस स्पीकर बर्शन शाह ने विषय पर आपस में चर्चा की और बर्शन शाह ने अपने अनुभव से बताया कि किस तरह स्वयं और गॉड पर विश्वास करने से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी और बुरी से बुरी परिस्थितियों पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। I love that. Not only do you have to try to find 15 or 20 or 30 times to get them to erase what you told them, yeah. but even you have to erase what you did against your peace. Yeah. You know, just because of that one word. Look, it's been great, and I'm going to give you a challenge, your spiritual rapid fire. I'm going to say one word. Oh, I love this. Okay, one and word. And then you're going to come up with one word that comes out the top of your mind. You ready? Okay. All right. Oh, this is good. Go ahead. Fasten your seatbelt. All right. God. Love. Soul. Spirit. America. ये तो रही देश विदेश में आयोजित ब्रह्मा कुमारी के ऑनलाइन कार्यक्रमों की खबरें, लेकिन अब बात करते हैं ऐसी समस्या की जिसका हर कोई समाधान चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की, जिसने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिस रफ्तार से यह वायरस फैल रहा है और हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय पर अब ये ज़रूरी है कि हम खुद कुछ सावधानी बरतकर अपने और अपने परिवार वालों को इस वायरस के चपेट में आने से बचा सकें। तो चलिए देखते हैं इस पर विशेषज्ञ हमें वर्तमान समय स्वस्थ रहने के लिए क्या सलाह देते हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, है ना। अगर हमें कुछ भी थोड़े सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा भी सिम्टम है, आपको बुखार है, शरीर में दर्द हो रहा है, कमजोरी लग रही है, भूख नहीं लग रही है, या हमें कुछ ऐसा लग रहा है, खांसी हो रही है, छींकें आ रही हैं, गला खराब लग रहा है, गलाराई लग रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, छाती में थोड़ा भारीपन लग रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं अगर आपको अपने स्वयं की सुरक्षा करनी है। उम्मीद है कि आप सभी को इन जानकारियों से लाभ होगा और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी मिलकर तेजी से फैल रहे कोरोना की चेन को ब्रेक करेंगे और इस पर जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।